इसमें हम ओपैम का जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक्स किए थे, डेफिनेशंस की थी, उससे आगे डेफिनेशंस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है, यानी लास्ट टाइम हमने 5 डेफिनेशंस की कंप्लीट की थी, अब उससे आगे देखते हैं सेकंड पार्ट में। इसके नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ऑफसेट वोल्टेज एडजस्टमेंट रेंज। ये क्या करती है कि जो ओपैम होता है उसकी ऑफसेट वोल्टेज जो कि नल कैपेबिलिटी की होती है, इसमें क्या होता है कि पिन 1 और पिन 5 जो कि हमने पहले शो नहीं की थी, वो पिन शो करती है ऑफसेट नल को। कैसे? ये हमारा ओपैम्प है, इसमें देखिए पिन 1 और पिन 5 शो नहीं की थी, पहले भी हमने शो नहीं की थी। इसमें पिन 1 और पिन 5 कुछ इस तरह से कनेक्टेड होती है। इसमें ये जो रेजिस्टेंस होता है वो 10 किलो ओम का होता है। ये पिन 1 और पिन 5 जो कि ऑफसेट नल को शो करती है, इस पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। ये 10 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है ये पोटेंशियोमीटर को शो करता है, जो कि कनेक्टेड होता है पिन 1 और पिन 5 के बीच में, और ये वेरिएबल होता है, वाइप होता है यानी कि, और जो कि नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है। पोटेंशियोमीटर को क्या करते हैं, ये हमारा पोटेंशियोमीटर होता है जो कि नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाता है, और ये वाइप होता है यानी वेरिएबल होता है। इस रेजिस्टेंस को वैरी करके, यानी अगर हम इसके रेजिस्टेंस को चेंज करें, तो इसको चेंज करने से हम अपनी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं 0 वोल्ट से। यानी कि हमें इनपुट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस रेजिस्टेंस से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमारी ऑफसेट वोल्टेज एडजस्टमेंट होती है, और जो ये एडजस्टमेंट होती है ये वैरी होती है 10 किलो ओम पोटेंशियोमीटर के साथ। 741, ये जो ओपैम्प है हमारा, आईसी है 741 की, ये जो ऑफसेट वोल्टेज एडजस्टमेंट रेंज होती है उसकी प्लस माइनस 15 वोल्ट की होती है। 15 जो हमारी मिली वोल्ट होते हैं उसमें होती है। इसमें प्लस 15 वोल्ट की यहाँ पे सप्लाई की गई है, नेगेटिव की यहाँ पे, जो इक्वल मैग्नीट्यूड में होगी लेकिन ऑपोजिट होंगी। नेक्स्ट है इनपुट वोल्टेज रेंज। अगर हम सेम वोल्टेज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल्स पे प्रोवाइड करते हैं, यानी दोनों टर्मिनल्स पे, यानी कि हमने यहाँ पे 13 वोल्ट दिया है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों पे सेम वोल्टेज प्रोवाइड की है, ठीक है ना, ये शो करेगी। इसमें हम इनपुट वोल्टेज रेंज देखेंगे। अगर हम दोनों इनपुट पे सेम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कॉमन मोड वोल्टेज को शो करती है, जिसे शो करते हैं VCM, कॉमन मोड वोल्टेज, क्योंकि कॉमन वोल्टेज जा रही है दोनों टर्मिनल्स पे। और इस टाइम पे जो ओपैम्प है उसको हम कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और 741 जो हमारी ये सर्किट है, जो हमारा ओपैम्प है, इसकी रेंज होती है प्लस माइनस 13 वोल्ट, यानी कि मैक्सिमम प्लस 13 वोल्ट और लो हाई, हाई टू हाई प्लस 13 वोल्ट हो सकती है, और लो टू लो मिनिमम माइनस 13 वोल्ट हो सकती है, जिसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। ये शो करती है हमारी इनपुट वोल्टेज रेंज, जो कि कॉमन मोड वोल्टेज रेंज शो करती है। और इसमें जो हम कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम ये देख सके कि हमारे दोनों टर्मिनल्स, इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, उसमें कितनी मैचिंग हो रही है, कितनी डिग्री वो एक दूसरे से मैच कर रहा है, जो इनपुट टर्मिनल्स हैं। ये हमारे इनपुट वोल्टेज रेंज को शो करेगी। नेक्स्ट होती है हमारी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो शो करती है, जो CMRR से डिनोट करते हैं। ये रेशो बताती है डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज गेन का और कॉमन मोड वोल्टेज गेन का। यानी AD शो कर रहा है डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज गेन, और ACM कॉमन मोड वोल्टेज गेन को, इन दोनों के रेशो को कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो शो करता है। नेक्स्ट है हमारे कॉमन मोड वोल्टेज गेन। कॉमन मोड वोल्टेज गेन शो करता है रेशो को आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज और इनपुट कॉमन मोड वोल्टेज। ये शो करेगा आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज को, और ये शो करेगा इनपुट कॉमन मोड वोल्टेज को। ये इनकी जो रेशो होगी वो होगी कॉमन मोड वोल्टेज गेन। नेक्स्ट है हमारी सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशो।
सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो क्या करता है, डिफरेंस शो करता है, यानी कि रेशियो होती है कि जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वी आई ओ, चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में जितना चेंज हो रहा है, और रेशियो ऑफ सप्लाई वोल्टेज, यानी चेंज इन सप्लाई वोल्टेज, जो वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं उसमें जितना चेंज हो रहा है, वो शो करेगा हमारा सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो एस वी आर आर को। ये हमारे कुछ डेफिनेशन है, इसके नेक्स्ट पार्ट में से आगे डेफिनेशन हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर और ज्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।